कल अपन ने कॉर्पस कैलोसम के बारे में देखा था, आज अपन प्रोजेक्शन फाइबर्स पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन फाइबर्स का काम क्या होता है? एक तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सब कॉर्टिकल एरिया से कनेक्ट करने का काम होता है प्रोजेक्शन फाइबर्स का। अब सब कॉर्टिकल एरियाज कौन कौन से हैं? जैसे कॉर्पस स्ट्राइटम है, ठीक है, थैलेमस है, ब्रेन स्टेम है। कौन कौन से हैं? कॉर्पस स्ट्राइटम हो गया, थैलेमस हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया। तो ये और स्पाइनल कॉर्ड है ना, इनसे कनेक्ट करने का काम है। तो बेसिकली ये काम है प्रोजेक्शन फाइबर्स का। तो दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, तो कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स जो कि कॉर्टेक्स से दूर जाते हैं, है ना, और कॉर्टिकोपिटल जो कॉर्टेक्स के पास आते हैं। कॉर्टिकोफ्यूगल कॉर्टेक्स से दूर जाते हैं, मीन्स कॉर्टिकल इफरेंट्स, मतलब कॉर्टेक्स से कुछ लेकर जाते हैं। कॉर्टिकोपिटल मीन्स कॉर्टेक्स के पास कुछ लेके आते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिकोफ्यूगल गो अवे फ्रॉम कॉर्टेक्स टू सेंटर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ सीएनएस एंड कम टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स फ्रॉम अदर सेंटर्स इन सीएनएस, ठीक है। फ्यूगल में तो कॉर्टिकोफ्यूगल में तो कॉर्टेक्स से दूसरे सेंटर्स की तरफ जाएंगे, कॉर्टिकोपिटल में दूसरे सेंटर्स से सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ आएंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्शन फाइबर्स एंड नियो कॉर्टेक्स की बात करते हैं। नियो कॉर्टेक्स में प्रोजेक्शन फाइबर्स की बात करें, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इसका। कोरोना रेडिएटा और इंटरनल कैप्सूल जो अपन देखेंगे अभी। इंटरनल कैप्सूल तो आज का मेन जो अपन ज़्यादा ज़्यादा बात करेंगे वो इंटरनल कैप्सूल के ऊपर करेंगे। तो नियो कॉर्टेक्स के लिए प्रोजेक्शन फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? कोरोना रेडिएटा एंड इंटरनल कैप्सूल। और पेलियो कॉर्टेक्स के लिए कौन से होते हैं? फेम्बरी एंड फॉर्निक्स। अब पेलियो कॉर्टेक्स और आर्की कॉर्टेक्स के लिए होते हैं फेम्बरी एंड फॉर्निक्स। इन दोनों को मिला के पेलियो कॉर्टेक्स और आर्की कॉर्टेक्स को मिला के बोलते हैं, बताएं आप क्या बोलते हैं? एलो कॉर्टेक्स, ठीक है। एलो कॉर्टेक्स एक टर्म यूज़ होता है जो इनके लिए, दोनों को मिला के यूज़ होता है इनके लिए। तो नियो कॉर्टेक्स प्रोजेक्शन फाइबर्स, नियो कॉर्टेक्स में कौन कौन से प्रेजेंट है? कोरोना रेडिएटा एंड इंटरनल कैप्सूल। और प्रोजेक्शन फाइबर्स पेलियो कॉर्टेक्स और आर्की कॉर्टेक्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं? मतलब इन दोनों को एलो कॉर्टेक्स बोलते हैं कंबाइनली, फेम्बरी एंड फॉर्निक्स, ठीक है, फेम्बरी एंड फॉर्निक्स। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल क्या है? कॉम्पैक्ट बंडल ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर्स बिटवीन थैलेमस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियाई मीडियली एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस लेटरली। अभी कॉर्डेट न्यूक्लियस क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस क्या है, ये सब अभी अपन एक डायग्राम देखेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम, कलरफुल स्कीमेटिक डायग्राम, उससे अपना ही क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें हैं क्या। तो कॉम्पैक्ट बंडल ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर्स बिटवीन थैलेमस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस मीडियली, तो ये क्या इंटरनल कैप्सूल क्या? कॉम्पैक्ट बंडल ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर्स है बिटवीन थैलेमस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस मीडियली एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस लेटरली। बिटवीन थैलेमस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस मीडियली एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस लेटरली, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो इसमें एफरेंट, देखो इसमें एफरेंट सेंसरी फाइबर्स जो है दे पास अप फ्रॉम थैलेमस टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मैंने बताया था है ना, एफरेंट क्या जाएंगे? फ्रॉम थैलेमस टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। तो एफरेंट कौन से होंगे? सेंसरी होंगे, और इफरेंट कौन से होंगे? मोटर होंगे, ठीक है। तो मोटर क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से तो सेरेब्रल पेडंकल्स तक जाएगा। तो ये ऊपर से नीचे तो इफरेंट, नीचे से ऊपर एफरेंट, एफरेंट सेंसरी, इफरेंट मोटर, ये सब आपको मेरे हिसाब से चीज़ें पता भी होंगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ये एक डायग्राम है स्कीमेटिक डायग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने इसके डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, मेरे को पहले बताओ। इंटरनल कैप्सूल की ये पहली बात देखिए कि ये इंटरनल कैप्सूल है, ठीक है। अब इंटरनल कैप्सूल के डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, इट इज अ कॉम्पैक्ट बंडल ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर्स बिटवीन थैलेमस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस मीडियली, बिटवीन थैलेमस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस मीडियली एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस लेटरली। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये कॉर्पस कैलोसम है। तो कॉर्पस कैलोसम मीन्स ये मीडियल साइड है, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस तो मीडियली एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस लेटरली, ठीक है। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है भाई, ये है कॉर्पस कैलोसम, कॉर्डेट न्यूक्लियस, थैलेमस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये क्लॉस्ट्रम हो गया, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और क्लॉस्ट्रम के बीच में है एक्सटर्नल कैप्सूल, ठीक है, और इंसुला और इसके बीच में, क्लॉस्ट्रम के बीच में है एक्सट्रीम कैप्सूल, ठीक है। तो इंसुला इज आइलैंड ऑफ रील। तो ये आपको चीज़ मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटरनल कैप्सूल के ही अपन अब पार्ट्स देखेंगे। अपन इंटरनल कैप्सूल तो पढ़ा, तो इंटरनल कैप्सूल में होता है एंटीरियर लिम, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट एंड सब लेंटिफॉर्म पार्ट। कौन कौन से होते हैं? एंटीरियर लिम, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट एंड सब लेंटिफॉर्म पार्ट। ठीक है, तो एंटीरियर लिम तो देखो ये वाला हो गया, जेन्यू ये हो गया, पोस्टीरियर लिम ये हो गया, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट और सब लेंटिफॉर्म पार्ट। ठीक है, एंटीरियर लिम, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम। अब इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। ये डायग्राम के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशन देखते समय, अब आप इस डायग्राम को भी देखते जाइएगा। एंटीरियर लिमिट इज बिटवीन द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। देखो एंटीरियर लिम कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, अब इधर देखो एंटीरियर लिम यहाँ पे कुछ है अवेलेबल है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे मीन्स इट इज इन द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, बिटवीन द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। पोस्टियर लिम के लिए क्या बोला है? इट इज बिटवीन द थैलेमस एंड पोस्टियर पार्ट ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इट इज बिटवीन द थैलेमस एंड पोस्टियर पार्ट ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो ये भी बात ठीक है भाई, पोस्टियर लिम कहाँ पे है? पोस्टियर लिम कहाँ है? ये रहा पोस्टियर लिम। ठीक है, तो पोस्टियर लिम ये चीज़ कहाँ पे है? ये रही। इट इज बिटवीन द थैलेमस एंड द पोस्टियर पार्ट ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। जेन्यू की बात करते हैं, इट बेंड्स बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टियर लिम्स विथ कॉन्केविटी ऑफ बेंड फेसिंग लेटरली। ठीक है, जेन्यू का है, जेन्यू का एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्स के बीच का बेंड है ना, कॉन्केविटी ऑफ द बेंड इज फेसिंग लेटरली। कॉन्केविटी ऑफ द बेंड इज फेसिंग लेटरली, देखो कॉन्केविटी ये रही। अलग पेन से मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए मार्क, ये ब्लैक पेन का देखिएगा आप, है ना, तो देखने से बढ़ा देता हूँ। तो ये कॉन्केविटी है, सो कॉन्केविटी इज फेसिंग लेटरली और एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में ये रहा जेन्यू, ये रहा जेन्यू, जेन्यू ये होता है। तो एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब के बीच में है एंड एंड इट इज कॉन्केव एंड द कॉन्केविटी इज फेसिंग लेटरली टूवर्ड्स द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, एंड रेट्रो, अब है दो पार्ट बच गए, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट एंड सब लेंटिफॉर्म पार्ट। आप नाम से ही बता सकते हो रेट्रो लेंटिफॉर्म का मतलब क्या है, रेट्रो लेंटिफॉर्म का मतलब क्या है? रेट्रो लेंटिफॉर्म का मतलब है इट इज बिहाइंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये तो पीछे होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। सब लेंटिफॉर्म पार्ट का क्या मतलब हो गया? सब लेंटिफॉर्म पार्ट का मतलब इट इज बिलो द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इट इज बिलो द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो जेन्यू का मैंने आपको बता दिया, रेट्रो लेंटिफॉर्म बता दिया, सब लेंटिफॉर्म बता दिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल देखो। ठीक है, आप इनके डेफिनेशंस देख लीजिए एक बार, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेंसरी, अब अपन कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल देखते हैं, जो मैंने आपको सेंसरी फाइबर्स, मोटर फाइबर्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, उसके अपन ने डेफिनेशन देखी थी। आज अब इनको समझने वाले हैं कि ये बेसिकली चीज़ क्या है। सेंसरी फाइबर्स की बात करते हैं, तो सेंसरी फाइबर्स जैसे असेंडिंग ट्रैक्ट्स होंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेंसरी फाइबर्स असेंडिंग ट्रैक्ट्स, तो एंटीरियर लिम, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट एंड सब लेंटिफॉर्म पार्ट। ठीक है, अब एंटीरियर लिम, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट और सब लेंटिफॉर्म पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एंटीरियर लिम में जो है इट इज़ है ना एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, जेन्यू के अंदर सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन का एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन का एंटीरियर पार्ट ओनली। पोस्टियर लिम के अंदर भी सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन है, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट के अंदर पोस्टियर थैलेमिक रेडिएशन है जिसको अपन ऑप्टिक रेडिएशन भी बोलते हैं, और सब लेंटिफॉर्म पार्ट के पास इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन है जिसको अपन ऑडिटरी रेडिएशन भी बोलते हैं। इनको अपन एक डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखो मैंने जो मतलब कलर, अपन ने चार टाइप के रेडिएशन पढ़े, एंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, मैंने चारों को अलग अलग कलर कोड दिया है। तो एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन मैंने क्या बताया था, एंटीरियर लिम के अंदर होता है खाली। तो ये देखो एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। अब देखो जेन्यू और पोस्टीरियर लिम के अंदर, जेन्यू और पोस्टीरियर लिम के अंदर मैंने बोला था सब थैलेमिक, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन होता है, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन। देखो जेन्यू, जेन्यू के अंदर सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन का एंटीरियर पार्ट और सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन का बाकी पार्ट जो है इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर लिम। अब मैं इसकी बात करता हूँ पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन की, जिसको अपन ने बोला था ऑप्टिक रेडिएशन। तो पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन मैंने आपको बोला था रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट में प्रेजेंट है, ये रहा।
और सब लेंटिफॉर्म पार्ट में क्या प्रेजेंट है, इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन और ऑडिटरी रेडिएशन। ठीक है, तो ये भी एक डायग्राम है, इस ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो इसको हो गए इसके सेंसरी फाइबर्स। अब अपन इसके आगे बात करेंगे इसके मोटर फाइबर्स के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके मोटर फाइबर्स के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जस्ट अ सेकेंड, ओके, मोटर फाइबर्स। मोटर फाइबर्स मीन्स डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। अब मोटर फाइबर्स के अंदर तीन टाइप के अपन फाइबर्स या ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। ठीक है, कॉर्टिकोपोन्टाइन के अंदर फ्रंटोपोन्टाइन, पैराइटोपोन्टाइन, ऑक्सीपिटोपोन्टाइन, टेम्पोरोपोन्टाइन। फ्रंटोपोन्टाइन, पैराइटोपोन्टाइन, ऑक्सीपिटोपोन्टाइन एंड टेम्पोरोपोन्टाइन तो कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स में आ गए। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आएगा एक, और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट आएगा जिसमें कॉर्टिको रूब्रल ट्रैक्ट बोलते हैं अपन, इसका एग्जांपल आता है कॉर्टिको रूब्रल ट्रैक्ट। तो कौन कौन से अपन पढ़ेंगे, कॉर्टिको पॉन्टाइन फाइबर्स, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स में अपन पढ़ेंगे कॉर्टिको रूब्रल ट्रैक्ट। और कॉर्टिको पॉन्टाइन फाइबर्स के अंदर पढ़ेंगे फ्रंटो पॉन्टाइन, पैराइटो पॉन्टाइन, ऑक्सीपिटो पॉन्टाइन, टेम्पोरो पॉन्टाइन। ये कलर कोड्स याद रखिए, मैंने नीचे डायग्राम बना रखा है उसमें यही कलर कोड यूज कर रखा है। ठीक है, ये देखो आप सॉरी, फ्रंटो पॉन्टाइन फाइबर्स येलो कलर कोड है फ्रंटोपोन्टाइन का, पहले वाले का। तो ये मैंने पूरा देखो, एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू और पोस्टीरियर लिम्ब, तीनों को मैंने जो है येलो कलर कर रखा है। पिंक कलर जो है मैंने रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट को कर रखा है, और ग्रीन कलर मैंने कर रखा है सब लेंटिफॉर्म पार्ट। मींस एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम्ब जो है फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर्स हैं। ठीक है, पैराइटो पॉन्टाइन फाइबर्स कहाँ है, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट के अंदर, और मतलब पैराइटो पॉन्टाइन फाइबर्स और ऑक्सीपिटो पॉन्टाइन फाइबर्स दोनों के दोनों हैं रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट में, और टेम्पोरो पॉन्टाइन फाइबर्स हैं सब लेंटिफॉर्म पार्ट में। अब मैं एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, मतलब अगर मैं पूरे इंटरनल कैप्सूल की बात करूँ आपसे, सॉरी, अगर मैं पूरे इंटरनल कैप्सूल की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि कॉर्टिको पॉन्टाइन फाइबर्स पूरे इंटरनल कैप्सूल में ही हैं। क्यों, आप देख लो, है ना, फ्रंटो पॉन्टाइन, एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम्ब में प्रेजेंट है, पैराइटो पॉन्टाइन, ऑक्सीपिटो पॉन्टाइन, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट में, और टेम्पोरो पॉन्टाइन जो है सब लेंटिफॉर्म पार्ट में। ठीक है ना, ईजी है। अब मैं बात करता हूं आपसे एक और चीज के बारे में कि देखना आप ये, अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। एंटीरियर लिम्ब में अपन को मिला था कॉर्टिको पॉन्टाइन फाइबर्स, भाई कॉर्टिको पॉन्टाइन ही तो मिला, फ्रंटो पॉन्टाइन मिला एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम्ब में तो कॉर्टिको पॉन्टाइन मिला। अब अपन को जेन्यू के अंदर मिल रहा है कॉर्टिको पॉन्टाइन, देखो अपन को जेन्यू में क्या क्या मिल रहा है, कॉर्टिको पॉन्टाइन, कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स फॉर हेड एंड नेक। कॉर्टिको पॉन्टाइन, कॉर्टिको न्यूक्लियर, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स फॉर हेड एंड नेक। अभी देख लेते हैं, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैसे मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था, कॉर्टिको पॉन्टाइन, देखो कॉर्टिको पॉन्टाइन तो मिल ही रहा है जेन्यू के अंदर फ्रंटो पॉन्टाइन। ठीक है, अब कॉर्टिको स्पाइनल देखो, कॉर्टिको स्पाइन सॉरी कॉर्टिको न्यूक्लियर मिला, तो कॉर्टिको न्यूक्लियर ये रहा, कॉर्टिको न्यूक्लियर, ये कॉर्टिको न्यूक्लियर है। ठीक है, ये कॉर्टिको न्यूक्लियर है, ये जो रेड वाला है ये कॉर्टिको न्यूक्लियर है। ठीक है, तो ये है कॉर्टिको न्यूक्लियर। ठीक है, कॉर्टिको न्यूक्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कॉर्टिको, है ना, अब कॉर्टिको न्यूक्लियर मिला यहां पे, देखो कॉर्टिको न्यूक्लियर की बात करी, और कॉर्टिको स्पाइनल के भी कुछ फाइबर्स मिलते हैं, ये वाला जो है दैट इट इज कॉर्टिको स्पाइनल, इसको आप अपने डायग्राम में जब आप बनाए तो यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पता पड़ जाए कि कॉर्टिको न्यूक्लियर था और ये कॉर्टिको स्पाइनल था। तो कॉर्टिको स्पाइनल का भी कुछ हिस्सा मिलता है हेड एंड नेक के लिए जेन्यू के अंदर। तो जेन्यू के अंदर मैंने आपको बता दिया कॉर्टिको पॉन्टाइन मिल ही रहा है, वो तो आप एक्सप्लेन किया है, पूरे में ही मिलेगा वो तो, कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। अब पोस्टीरियर लिम्ब की बात करता हूँ, तो पोस्टीरियर लिम्ब में क्या होगा, कॉर्टिको पॉन्टाइन,
कॉर्टिको स्पाइनल देखो पोस्टियर लिम्ब में मिल रहा है ना, कॉर्टिको स्पाइनल देखो ये रहा पोस्टियर लिम्ब में मिल रहा है, ये रहा पोस्टियर लिम्ब है ना, और कॉर्टिको रूबरल फाइबर्स भी प्रेजेंट है, ये कॉर्टिको रूबरल देख लो, कॉर्टिको रूबरल मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा पिरामिडल है। अब कॉर्टिको स्पाइनल में जो पिरामिडल फाइबर्स हैं फॉर अपर लिम्ब ट्रंक एंड लोअर लिम्ब, क्योंकि हेड एंड नेक के तो जेनयू में चले गए थे, तो अपर लिम्ब ट्रंक एंड लोअर लिम्ब के लिए पोस्टियर लिम्ब में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं रेट्रो लेंटिफॉर्म एंड सब लेंटिफॉर्म, रेट्रो लेंटिफॉर्म सब लेंटिफॉर्म में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ कॉर्टिको पॉन्टाइन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि कॉर्टिको पॉन्टाइन तो सब में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इसका डायग्राम का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लिए इतना ही है, बाकी अपन सेरेब्रम की नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके अंदर देखेंगे सारे पार्ट्स। आप एक साथ एक बार प्लीज कंटिन्यूएशन में देखिए तो लिंक बैठ जाएगा कि हाँ इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, ठीक है। और जो टेस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, और प्लीज़ आप सुनिए, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कराइए, सबसे लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।